बताएं कि बाबर आजम इज इज ऑन द राइज राइट नाउ एवरीवेयर आपको क्या लगता है कि उनकी कैप्टनसी के अंदर आप कैसा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या उससे पहले आप बेहतर परफॉर्म कर रहे थे देखिए टू अर्ली है अहमद भाई अभी यंग है अभी एक साल हुआ उसको कैप्टनसी पाकिस्तान की करते हुए अभी टाइम लगेगा अब वो टीम नहीं है जो आज से आठ दस साल पहले होती थी प्लेयर्स होते थे पाँच छः प्लेयर्स मैच विनर होते थे अभी अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हुए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के सिस्टम के साथ इतना एक्सपेरिमेंट किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया फिर हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने काफ़ी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज मैं समझता हूँ डैमेज किया उन्होंने जो सिस्टम चेंज किया छः टीमें लेके आए डिपार्टमेंट रीजनल क्रिकेट शुरू करवाई तो देखिए वो छह टीमों का डैमेज मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ सिस्टम के साथ किया कामी भाई कामिभा कह मकसद है वह कप्तान तो होंगे क्रिकेट टीम की बेहतरी तो नहीं आई फरागोगी बेहतरी फर्क होगी अच्छा विराट कोहली और बाबर आजम को कैसे कंपेयर करते हैं देखिए विराट कोहली की बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है सेवनटी प्लस उसके हंड्रेड है बाबर के अभी तकरीबन कोई मेरे ख्याल से पच्चीस छब्बीस हंड्रेड है तो मैच करना टू अर्ली है जब बाबर के उतने मैच हो जाएंगे उतनी क्रिकेट खेल लेगा फिर आप कर सकते हैं एक अलग लेवल विराट कोहली का नो डाउट बाबर आजम इस वक्त हमारे पाकिस्तान का नंबर वन प्लेयर है wow. वर्ल्ड में टॉप थ्री में प्लेयर्स है yeah. तो अच्छा साइन है कि हमारे पास अभी एक चेहरा है जो वर्ल्ड क्रिकेट में अपना नाम बना रहा है और पाकिस्तान का नाम बना रहा है लेकिन उसके साथ जो चलने वाले उसको ज़रूर फॉलो करें